हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। द क्लास 10 सब्जेक्ट आईटी अंडर एनएसक्यूएफ, सब्जेक्ट कोड इज 402। टुडे आई एम डिस्कसिंग द चैप्टर 6, वेब एप्लीकेशन कंटिन्यू। आई वांट टू कंटिन्यू इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस एंड ब्लॉग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, इंटरनेट सिक्योरिटी एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। यू कैन सी फर्स्ट इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। यू कैन सी दिस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज सच एज सेंड टेक्स्ट मैसेज मोर देन वन पर्सन एट द सेम टाइम, ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी, कॉन्फ्रेंसिंग, मैसेज हिस्ट्री फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल। यू नो वेरी वेल टूडे वी आर यूजिंग व्हाट्सएप, स्काइपे, फेसबुक। सो दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन विल प्रोवाइड टू कम्युनिकेट सो मेनी पीपुल विद द हेल्प ऑफ फास्ट इंटरनेट, इंटरनेट कनेक्टिविटी वी नो वेरी वेल। सो वी कैन यूज टू टाइप्स ऑफ इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। फर्स्ट इज एप्लीकेशन बेस्ड। दिस सॉफ्टवेयर विल डाउनलोड एंड इंस्टॉल ऑन द यूजर कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल, गूगल हैंगआउट्स, स्काइप, याहू मैसेंजर एंड विंडो लाइव मैसेंजर। सो दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वी कैन यूज। फर्स्ट वी डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर इन योर मोबाइल और योर कंप्यूटर, दैट इंस्टॉल, देन वी कैन यूज टू सेंड एंड रिसीव ऑडियो वीडियो ऑल काइंड ऑफ डेटा। ओके, एंड अनदर थिंग इज वेब बेस्ड कम्युनिकेशन। वी कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ वेब ब्राउजर सच एज मोजिला फायरबॉक्स, गूगल क्रोम विद द हेल्प ऑफ, दिस इज अ वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर। वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर मीन्स विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वी कैन फर्स्ट ओपन मोजिला फायरबॉक्स और गूगल क्रोम, देन वी कैन टाइप एनी वेबसाइट और वी कैन यूज एनी अदर थिंग टू सर्च अवर डेटा, एंड वी कैन यूज ऑल्सो ईमेल सर्विसेज विद इन दिस वेब ब्राउजर, मोजिला फायरबॉक्स, गूगल क्रोम, मीबो मैसेंजर, एमएसएन वेब मैसेंजर एंड आईमो मैसेंजर। सो दिस विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन से दिस इज कॉल्ड इंस्टेंट मैसेजिंग सॉफ्टवेयर। ओके, नाउ न्यू थिंग इज ब्लॉग। ब्लॉग इट इज ए ऑनलाइन डायरी, मीन्स वी कैन शेयर आवर थॉट्स, वी कैन शेयर आवर आइडियाज टू अदर पीपुल विद द हेल्प ऑफ ब्लॉग। ब्लॉग इट इज ए काइंड ऑफ ए वेबसाइट, बट जनरली नॉन टेक्निकल पर्सन एंड यूज ब्लॉग बिकॉज एवरी वेबसाइट विल क्रिएट इन विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल लैंग्वेज, हाइपरटेक्स मार्कअप लैंग्वेज। वी मस्ट लर्न एचटीएमएल लैंग्वेज टू क्रिएट ए वेबसाइट, बट दिस इज अ बिग चैलेंज। सो वी कैन ऑल्सो यूज द ब्लॉग सर्विस। ब्लॉग सर्विस इट इज ऑल्सो काइंड टाइप ऑफ ए वेबसाइट, बट इन दिस थिंग वी डिड नॉट लर्न एनी एचटीएमएल लैंग्वेज। वी डायरेक्टली यूज जस्ट लाइक एमएस वर्ड एप्लीकेशन एंड वी कैन शेयर आवर आइडिया ऑन द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ ब्लॉग। सो इट इज़ ए ऑनलाइन डायरी एंड द पर्सन हु मेंटेन ए ब्लॉग इज कॉल्ड ए ब्लॉगर। द एक्टिविटी ऑफ मेंटेनिंग ए ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। वी कैन ऑल्सो लीव ए कमेंट ऑन अदर ब्लॉग। ब्लॉग आर क्रिएटेड बाय नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल यूजर विद द हेल्प ऑफ वेब पेजेस। ब्लॉग आर टेक्सुअल आर्टिकल, मीन्स वी कैन टाइप अवर थॉट्स एंड वी कैन ऑल्सो यूज फोटोज, वीडियो एंड ऑडियो ऑल्सो इन अवर ब्लॉग। मीन्स वी कैन मेक अवर ब्लॉग मोर इफेक्टिवली और मोर इंटरेस्टिंग। वी कैन क्रिएट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ब्लॉग ऑल्सो, बट इन ऑफलाइन ब्लॉग। ओके, दिस इज ऑनलाइन ऑफलाइन ब्लॉग सॉफ्टवेयर टू क्रिएट ब्लॉग कंटेंट एंड लेटर पब्लिश ऑन वेब। द टर्म वेब ब्लॉग वॉज कॉइन्ड बाय जॉन बर्गर इन 1997। सो द इन्वेंशन ऑफ वेब ब्लॉग वॉज जॉन बर्गर इन 1997। ओके स्टूडेंट्स, बट ऑनलाइन फ्री पॉपुलर वेबसाइट विच विल प्रोवाइड ए ब्लॉग टू क्रिएट ब्लॉग एंड पब्लिश द ब्लॉग ऑन द इंटरनेट, www.wordpress.com। यू ऑलवेज कीप इन माइंड द वेबसाइट नेम www.blogger.com, www.blog.com एंड www.blogsome.com।
These are the website which, with the help of this website, we can create our blog and share on the internet, publish on the internet. But there are some offline free software also available. So with the help of this offline software, first we download, install, and then we can create our blog in this software. Then when our internet is working, will be working, we can publish our blog on the internet. So free web of software also available. The name of this application are Qmana, and another is Blogdesk and Window Live Writer. Okay. The next thing is online transactions. E-commerce is a major difference of internet. User can buy or sell goods over the internet by paying online using a credit card or debit card. So this is a new trend. We can purchase or buy with the help of internet technology. So this is called e-commerce. With the help of e-commerce terminology, it provide the so many things we can buy and purchase any product anywhere in the world. But we must pay for this, so we can use credit card or debit card. Some of the popular online transaction websites is IRCTC. We know very well. It is an online portal for booking and cancellation of train tickets. Flipkart, we know very well. Flipkart, Amazon, Snapdeal, eBay, an online shopping portal for buying and products. eBay, an online shopping portal for buying and selling goods. Redbus, this is an online portal for booking a bus ticket. So these are the different kind of website which provide different kind of facilities, but this is called e-commerce website. Okay. Now the most important thing is internet security. So internet security involves network security and browser security. Many online threats are available, means problems are available. Spyware means this kind of problem will create in our computer when we use internet. Some spyware software unknowingly will install in our computer and get our personal data and send to the other source. So it will be a great problem. Second thing is in malware. Malware means malicious software, comma adware means so many ads will come in our computer. Worms, this is a kind of virus. It will duplicate and replicate the data, so it will create so many big traffic, so slow down our PC. And Trojan horse, this is a big virus, will destroy our data without asking the user. And spam and common threats. Spam means bulk mail, unnecessary mail, unsolicited mail, or unwanted mail will come in our email inbox. So these are the internet threats, means will create problem when we use internet. Makes the computer insecure. Phishing means duplicate things. The original thing will not appear. Always open. Always we can say duplicate thing, and we can imagine this duplicate thing is original. So this fake website will create a problem. Okay, email spoofing. So these are the common threats we are facing when we use internet facility to increase. So we want to increase the security. So we can use following things. We must use strong password. Strong password means with the combination of letters, numbers, and special letters. So another person can't imagine or can't use directly. Means we can make a difficult password so nobody can guess. Backup our data, because today's time is very challenging. Our data is more and more important, so we must backup our data. Do not share personal information on the internet. Secure transition means the transition must be secure. Install firewall. This is a facility which can securely we can transmit our data from one place to another places. So firewall act as a bridge between our computer and other system from which you are getting data.
Never install software from unknown sources. On the internet, there are so many free software and open source software available, but all the software are not a good software. Mostly software are fake softwares will create problem if you install in from the unknown sources. Clear browser cookies frequency means on the online transaction or if you maintain email accounts and user login and password. So this kind of information always available on our computer, client computer. So this is called a cookies file. So we always clear our cookies file. Use antivirus and anti-spyware software. We must use antivirus and good quality of updated antivirus software. So we always protect our data. And BitLocker drive encryption encrypt our system hard disk to help keep document and other data safe from hacker and accidental loss. So BitLocker drive encryption, this is a new technique which can provide our data security from the accidental loss or from the hackers. Okay, now I'm discussing about antivirus software. And antivirus software we know very well is a program that detects, prevent from malicious programs such as virus. For example, there are so many virus antivirus software: Avira, Quick Heal, Kaspersky, Norton, McAfee. And antivirus perform following function. It scan every file on the computer. The function of antivirus software, you can see it scan every file on the computer. It scan all the drives and outside pen drive or CD. CD means compact disk on your computer. We know very well. It scans incoming emails for attached virus. It may detect spyware on our computer. Means malicious software antivirus will Windows 7 provides system and security option in control panel. The installed antivirus software displays in it. So these are the functions which can be provided by antivirus software. So antivirus software must install in our computer. So our computer software life, software health will be a good health. Okay, students, thanks for attending the online class. In below comment box, you can see in the below comment box, you must type your name, class with section and following question answer. First question is, what is blog? The second question is, write any two online blog website names. Third question is, write any two popular antivirus software names. And after writing all the answer, and you will type your doubt, your question also. So definitely I will reply. Okay, thank you, students.